पुंडे, ओ पुंडे, खेल के लिए तैयार? हाँ बाबा। तो चल शुरू हो जा। ये कहानी है उस कलाकार की जिसने भारतीय टेलीविजन की सबसे मशहूर टेलीसीरियल का निर्देशन दिया, मालगुडी डेज, जिसे डायरेक्ट किया था शंकर नागरकट्टे ने, जिन्हें हम शंकर नाग के नाम से जानते हैं। राम राम नेताजी। शंकर नाग साहब का जन्म 9 नवंबर सन 1954 में हुआ। पिता का नाम सदानंद और माँ आनंदी। इनके बड़े भाई अनंत नाग भी एक जबरदस्त अभिनेता बने। रामू अब ऐसा उस्ताद बन गया है, गुजारा हो जाएगा। दरअसल शंकर जी का जन्म उडुपी में हुआ था, जो कि पहले दक्षिण कन्नड़ा का हिस्सा रहा। इनके घर में कोंकणी बोली जाती थी। इनका परिवार शिराली, जो कि भटकल इलाके के नजदीक एक गांव है, वहां पे ही रहा करता था। वहां जमीन में एक दरार है, उस दरार में अपना हाथ डालो वेंकटेश, और इस नागा को उठाओ, तेरा कल्याण हो जाएगा। इनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम है श्यामला। शंकर नाग ने जब अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की तो ये मुंबई की तरफ चले आए, और मुंबई पहुंचते ही मराठी थिएटर से इनका दिल जुड़ गया। इन्होंने पूरी तरह से अपने आप को रंगमंच पर उतार दिया। इत्तफाकन इनकी मुलाकात हुई वहां पर अरुंधति रॉय से, जो खुद एक जबरदस्त रंगकर्मी थीं। अरुंधति जी के साथ इनकी मुलाकात प्यार में तब्दील हुई, और फिर आगे जाकर इन दोनों ने शादी भी कर ली। इस शादी से इन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया काव्या। धीरे धीरे इन्होंने कहा कि चलिए वापस कर्नाटका चलते हैं, और इस तरह से शादी के बाद ये कर्नाटका आ गए। इनके बड़े भाई अनंत नाग ने इनसे कहा कि शंकर तुम एक बेहतरीन अभिनेता हो, तुम्हें फिल्मों में भी काम करना चाहिए, और इस तरह से इनका फिल्मी करियर भी शुरू हुआ। अब ये ईश्वर की और मेरी आपस की बात है, आपने अगर मुझे मटका भर सोने के मोहर भी दिए तब भी ये बात मेरे होठों तक नहीं आने दूंगा। गिरीश कर्नाड साहब की एक बड़ी जबरदस्त फिल्म रही उंदा नोंदू कला डाली, जो कि सन 1978 में बनाई गई थी। उसमें इन्हें एक किरदार निभाने के लिए दिया गया। इन्होंने आगे जाकर कुछ फिल्में भी डायरेक्ट करी, मिनी चिना ओता, जन्म जन्माडा अनुबंधा और गीता। मालगुड़ी में आजकल हम जैसे लोगों को दाद देने वाले बचे ही कितने हैं। सब ईश्वर की कृपा है, है ना लागप्पा? ये बात भी गौर करने लायक है कि एक जबरदस्त प्रोड्यूसर साहब की नजर शंकर नाग साहब पे पड़ी थी, और वहां से जबरदस्त मसाला फिल्मों में भी इन्होंने काम किया। सीतारामू शंकर नाग साहब की पहली कमर्शियल फिल्म मानी गई। ये आमतौर से दिखने वाले चॉकलेटी हीरो नहीं थे, इनके चेहरे पे अक्सर एक अलग स्टाइल था, और आवाज में भी एक खारापन। ट्रेनिंग सुना तूने रामा, अब तेरा खेल अगले बुधवार को। शंकर नाग साहब ने जब मालगुडी डेज बनाया तब कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतना खूबसूरत बनेगा, पर आर के नारायण साहब की कहानियां, शंकर नाग साहब को डायरेक्शन और तमाम एक्टर्स की मेहनत ने एक ऐसा टेलीविजन सीरियल बना दिया जो युगों युगों तक भुलाया ना जा सकेगा। और फिर उड़ जाएगा साला, पर उड़ने से पहले ये अपने विष के दांत रतन के रूप में तुझे सौंप कर जाएगा। रतन? कीमती रतन बाबा? हाँ, उसे बेचकर तू बड़ा धनवान बन जाएगा रे, मालगुड़ी का महाराजा, पुंडी महाराजा। स्टेज रहा कि टेलीविजन या फिर रही फिल्में, आर्ट सिनेमा रहा कि कमर्शियल सिनेमा, हर जगह पे शंकर नाग साहब ने अपना लोहा मनवाया। इतना सारा मिल रहा है तो चुपचाप खा ले रे, कल का किसको मालूम। मालगुडी डेज में विष्णु वर्धन और अनंत नाग जैसे कलाकार थे, और मास्टर मंजुनाथ को कौन भूल सकता है जिन्होंने स्वामी का किरदार निभाया था। और मालगुडी डेज की जो धुन रही, जो आगे जाकर मोबाइल फोन की कॉलर ट्यून भी बनी, उसे एल वैद्यनाथन साहब ने कंपोज किया था। मालगुडी डेज की शूटिंग हुई आगुम्बे शिमोगा में, ये भी इलाका कर्नाटका में ही पड़ता है। आइए, हनुमान जी को संभालने की क्या जरूरत, खुद भगवान है, संभाल लेंगे। ठीक है, जाना कहाँ है? मालगुडी। उसी बरस इन्होंने टेलीविजन सीरियल स्वामी भी बनाया। ये बात भी गौर करने लायक है, ये दूरदर्शन के कन्नड़ा चैनल के लिए परिचय प्रोग्राम के एंकर भी बने। शंकर नाग साहब और इनके बड़े भाई अनंत नाग ने मिलकर संकेत नाम का एक थिएटर ग्रुप बनाया था। पहला नाटक जो इन्होंने डायरेक्ट किया वो था अंजू मलिगे, जो कि गिरीश कर्नाड साहब का नाटक रहा। ये आंख में चलो यार, कितने दिन खेलेंगे हम, सह नहीं सकता मैं। ऐसा लग रहा था कि शंकर नाग साहब और इतिहास रचेंगे और एक से बढ़कर एक काम करेंगे, पर होनी बलवान होती है। कुछ ऐसा ही शंकर नाग साहब के साथ हुआ। दावानागरे इलाके के बाहर अन्नागुड़ू गाँव में एक कार एक्सीडेंट हुआ। तारीख थी 30 सितंबर सन 1990।
एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे ये, इसका नाम रहा जोकुमारा स्वामी। ये इनकी आखिरी फिल्म रही। उस कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद इस फिल्म को रिलीज किया गया। यकीनन भारतीय रंगमंच, सिनेमा और टेलीविजन के इतिहास में शंकर नाग साहब ने वो मकाम हासिल किया जिसका ख्वाब बहुत से अभिनेता और निर्देशक देखते ही रह जाते हैं। राम का नाम ले और खिला दे मिठाई। ए रामा 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 लेना। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।